नमस्कार दोस्तों, नोटरी और रजिस्ट्री में क्या अंतर होता है आज हम इसको जानने वाले हैं कि नोटरी और रजिस्ट्री में क्या अंतर है। तो इसको जानने के लिए हम जो है जानेंगे कि जैसे अधिकतर कॉलोनियों में लोगों के पास नोटरी होती है, जो कॉलोनियाँ होती हैं नोटरी के आधार पर लोगों को बांट दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, उनके पास नोटरी होती है। लेकिन इस पर न तो बैंक से लोन मिलता है, यानी उस कॉलोनी की ज़मीनों पर या मकानों पर उन्हें जो है बैंक से लोन नहीं मिलता है या बैंक से लोन नहीं मिल सकता है, और न ही निगम से नक्शा पास हो सकता है या नक्शा पास नहीं होता है। इन दोनों कामों के लिए जो है रजिस्ट्री अनिवार्य है, यानी कि अगर रजिस्ट्री नहीं है तो आपको ज़मीन पे जो है लोन नहीं मिल सकता है और उसका नक्शा नहीं पास होगा। जिन लोगों के पास नोटरी है वे रजिस्ट्री करा कर ही जो है इनके पास नोटरी है वे रजिस्ट्री करा कर ही अपनी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। यानी कि जिसकी रजिस्ट्री नहीं है केवल नोटरी है वह उस संपत्ति का पूरा मालिक नहीं हो सकता। इसलिए जो है संपत्ति का पूरा मालिक होने के लिए नोटरी होना अनिवार्य है, रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। तो नोटरी और रजिस्ट्री में यही अंतर है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।